नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत अपराधियों और चोरों का खौफ काफी ज्यादा बढ़ गया है कि आम जनता खुद को नितांत असुरक्षित मान रही है। ताजा मामला हनुमाना थाना क्षेत्र के पुराठा गांव का है, जहां पर बीती रात्रि ब्रकेश मिश्रा के घर पर स्कॉर्पियो सवार सरहंगों ने घर में घुसकर बाहर खड़ी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ कर मारपीट भी की, जिसकी सूचना तत्काल फरियादी के द्वारा रात के समय से ही हनुमाना थाने को दी जा रही थी, लेकिन कोई भी पुलिस बल मौके पर नहीं आया। बाद में जब इसकी जानकारी मऊगंज एसडीओपी को हुई तो उन्होंने सुबह फरियादी के घर पर जाकर मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि फरियादी के द्वारा बताया गया कि इससे पहले भी 8 तारीख को सरहंगों के द्वारा रात तकरीबन 1 बजे घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसके लिए फरियादी दिन प्रतिदिन थाने का चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी बात थाना प्रभारी को नागवार गुजरी। लेकिन जब 12 तारीख की रात सरहंगों के द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई तो उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, जिस पर मऊगंज एसडीओपी ने कार्रवाई करते हुए कुछ सरहंगों को पकड़ा तो कुछ अभी भी फरार हैं। मुकेश कुमार मिश्रा, कहाँ गए हैं? मुरैठा। क्या समस्या है? समस्या यह है सर कि हमारे यहाँ जो है तो कुछ बदमाश लोग हैं, 4-5 लोग हमारे घर में 8 तारीख को पत्थर रात 1 बजे मारे थे। मैं इसका FIR थाने में दिया है। चौहान साहब के पास गए। चौहान कौन से थाने में गए? हनुमाना थाने में। चौहान साहब ने नंबर एक मुंशी को भेजकर अपना नंबर लिखकर बोले कि लेकर जाओ। जो जो लोगों को नाम मैंने बताया, सुरेंद्र मिश्रा, शिव प्रसाद मिश्रा, छोटकैनू मिश्रा, वेद मिश्रा, उमाकांत मिश्रा का नाम बताया, तो इन्होंने उनको नंबर लिखकर अपना चौहान साहब ने भेज दिया। फिर हमने देखा कि 8 तारीख को ये लोग कुछ नहीं किए। फिर 9 तारीख को मैं SDOP साहब के पास में गया तो SDOP साहब ने लिख पर्चा रख कर चले गए। बोले कि जाओ, काम हो जाएगा, जाकर थाने में बात कराना। गए तो वहाँ पर चौहान साहब मिले। चौहान साहब बोले मैं उनको बुला रहा हूँ, 10 तारीख तक परीक्षा, 11 को परीक्षा, 11 को रात में क्यों यही हादसा ये लोग कर दिए, हमारे घर में चढ़ाई कर दिए। ये कब किए हैं हादसा? ये 12:30 बजे रात को कर दिए। तो इसके बारे में आपने पुलिस को नहीं बताया? मैं 100 नंबर लगाया, 100 नंबर आई 3 बजे। 3 बजे तो पुलिस वाले क्या कार्यवाही किया? पुलिस वाले अभी तो हमको हटा रहे हैं आपके सामने ही। क्या बोले पुलिस? बोल रहे हैं कि तुम्हारे नाम FIR के उनको छोड़ तुमने मारा है, जो कि हमारे CCTV कैमरे में सब कैद है। तब भी SDOP साहब लोग नहीं देख रहे हैं, कैमरा भी नहीं देखना चाहते हैं साहब लोग। आपके पास वीडियो है? वीडियो है। तो आपने पुलिस को दिया? हाँ सर। आपने पुलिस को दिया? पुलिस को मैंने 8 तारीख वाला वीडियो दे दिया हूँ। चौहान साहब यहाँ पर बोले कि हाँ ये लोग अंदर आए थे, जब 9 तारीख को हम लोग पहुँचे 10 तारीख को, तो बोलते हैं कि ऐसा है कि वो लोग बाहर थे गेट के। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि चौहान साहब और TI साहब के बदौलत ये सब काम हमारे यहाँ हुआ है। तो आप अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही चाहते हैं? हाँ, जो सही हो, सत्य का सत्य जो हो वही करें। जाके पूरा मतलब हमारा CCTV कैमरा आप देख लीजिए, इसके बाद की जज TI साहब चौहान साहब उसी दिन लोगों को अरेस्ट कर लेते, नमत नहीं आता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग TV के साथ। गुड मॉर्निंग TV को YouTube में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।